हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे. आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में. मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत करी फ्रेंड्स. अभी शाम के जो हैं 5 बजे हैं. मैं टेरेस पर आई थी कुछ काम करने के लिए, वही मैं आपसे आज शेयर करने वाली हूँ. तो ये जो आप देख रहे हैं ये है हल्दी, और हल्दी जो है बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे प्लांट्स में. अगर किसी भी प्रकार की फंगस वगैरह हमारे प्लांट में लग जाती है तो ये जो है हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है. तो ये हल्दी का ही उपयोग मैं करने वाली हूँ. कुछ समय पहले जो है ये जो मेरा प्लांट्स है इसमें मुझे लगा था कि फंगस हो गई है, तो मैं इसमें हल्दी पाउडर डालकर गई थी. इसकी मिट्टी में भी मैंने हल्दी पाउडर डाला था और उन पौधों पर भी थोड़ा सा मैंने हल्दी हल्दी का छिड़काव कर दिया था. तो जैसे ही मैंने हल्दी का छिड़काव किया दोस्तों, तो देखिए प्लांट की ग्रोथ जो है मेरी बढ़ गई है, यानी ये जो प्लांट है ये जो है फंगस मुक्त हो गया है. तो हल्दी बहुत ही अच्छा काम करती है हमारे प्लांट्स में, और हल्दी जो है ऑर्गेनिक है तो उसका यूज़ आप जो है आराम से कर सकते हैं. तो अभी मैं कुछ काम यही करने जा रही थी कि हल्दी जो है मैं अपने कुछ प्लांट्स में डालना चाहती हूँ, और इसकी मिट्टी में भी मैं जो है हल्दी का जो है ये इस तरीके से गुड़ाई करूंगी, और ये हल्दी मैं इस तरीके से इसमें मिट्टी में जो है थोड़ा सा मिला दूंगी. और इस तरीके से आप जो है हल्दी जो है चारों तरफ इस तरीके से ये छिड़क दीजिए दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हल्दी. और देखिएगा कि अगर आपके प्लांट्स में किसी भी प्रकार की कोई फंगस होगी तो वो फंगस जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी. तो बीच बीच में ये काम भी हमें करते रहना चाहिए दोस्तों, अपने प्लांट्स को चेक करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई फंगस तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं लगा है. तो ये काम जो है कर लेने से हमारे जो प्लांट्स हैं उनका बचाव हो जाता है. तो ये देखिए इस तरीके से आप जो है इसमें पानी से भी स्प्रे कर सकते हैं दोस्तों. आप जो है पानी हल्दी में सॉरी पानी में आप थोड़ा सा हल्दी को मिलाकर उसे अच्छे से घोल बनाकर आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं. तो मैं अभी सभी प्लांट्स में ये दूंगी, अपने जो भी मेरे वेजिटेबल्स वाले प्लांट हैं उनमें ये मैं देने लगी हूँ. ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा जो है ये छिड़काव कर रही हूँ, और इनकी मिट्टी में भी मैं मिला दे रही हूँ. ये देखिए ये तो ये जो प्लांट्स में फंगस लगने होता है दोस्तों ये बहुत ही नेचुरल है, ये प्लांट्स में लग जाता है. तो इसके लिए घबराने वाली कोई बात नहीं है. तो इस तरीके से बस हल्दी का आप थोड़ा सा जो है इस तरीके से छिड़काव कर दीजिए, और कोई भी अगर समस्या है आपके प्लांट में तो वो ख़त्म हो जाएगी. चींटियाँ वगैरह भी नहीं आती हैं इससे. और इस तरीके से हल्दी एक मेडिसिनल है इसका जो है, इस तरीके से मिट्टी में हमें, और मैं इसकी थोड़ी सी कर दूंगी गुड़ाई. और ये देखिए इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी हल्दी जो है अपने प्लांट से मिलानी है, और मिलाने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी इसकी करनी है गुड़ाई. ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी बैंगन के ही पौधे हैं, तो इनमें भी हम जो है इसी तरीके से हल्दी को छिड़क देते हैं. ये देखिए ये 4 से 5 पौधे हैं मेरे, और इसमें भी हम इस तरह हल्दी डाल देंगे. तो कभी बीच बीच में जो है दोस्तों इस तरीके से जो है आप हल्दी का छिड़काव जो है अपने प्लांट्स में कर सकते हैं. तो ये मेरे सारे ही सब्जियों वाले पौधे थे, तो इनमें देखिए मैंने ये छिड़काव कर दिया है. तो दोस्तों इस तरीके से ये देखिए हल्के हाथों से हम इसकी गुड़ाई कर देंगे. और ये देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब हमारे जब हमें कहीं पेन होता है या दर्द होता है तो आप जानते हैं कि हमें जो है में हल्दी मिलाकर, हल्दी का पाउडर मिला के दिया जाता है. तो आप सोच सकते हैं कि जब हमारे लिए हल्दी इतनी गुणकारी है तो हमारे पौधों के लिए कितनी गुणकारी होगी, है ना? तो इसी तरीके से आप जो है बीच बीच में अपने पौधों को हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है आपके प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है. और तो उस तरीके से आप देखिए एक बार करके ज़रूर आजमाएं, तो आपको जो है रिजल्ट भी नज़र आएगा. चींटियाँ वगैरह भी इसमें नहीं आती हैं. इसमें देखिए ये भी मेरा पौधा है, ये भी बैंगन ही है, तो इसमें भी हम इस तरीके से हल्का सा छिड़काव और हल्का सा इसकी मिट्टी में भी मिला रहे हैं. ये देखिए. और दोस्तों एक बात और, अगर आप जब मिट्टी तैयार करते हैं अपने प्लांट्स को देने के लिए ना, तो उसमें भी आप हल्दी का यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही अच्छा रहता है.
हल्दी को आप डाल सकते हैं। जब आप गमले की मिट्टी तैयार करें तो आप हल्दी का उपयोग जरूर करें, इससे भी जो है आपके मिट्टी की जो वो है उर्वरकता है वो अच्छी बनती है, यानी हमारी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी बनती है। और इस तरीके से आप जो है हल्दी इसमें मिला दीजिए। ये है दोस्तों आज की मेरी वीडियो कि हल्दी जो है हमारे प्लांट्स के लिए कितनी उपयोगी है, ये देखिए इस तरीके से। तो बाय फ्रेंड्स, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।